ओके गुड इवनिंग एवरीवन बन ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिवेटिव्हचा पुढचा पार्ट क्वेश्चन लिखो फिर उसके पीछे अपन डायग्राम वगैरे निकालेंगे अ लॅडर हा असा एक क्वेश्चन आपण लोकस मध्ये शिकलो होतो इन सर्कल चॅप्टर पण आता त्याचा यूज करायचं आहे आपल्याला अ लॅडर फाईव्ह मीटर लॉंग इज लिनिंग Is leaning against the wall, the bottom of the ladder, the bottom of the ladder is pulled along the ground. ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल अवे फ्रॉम दीक इमेजिंग करते जाओ क्वेश्चन एट द रेट ऑफ एट द रेट ऑफ टू सेंटीमीटर पर सेकेंड ठीक है ओढ़ीमीटर पर सेकेंड how fast is the height on the wall decreasing when foot of the ladder is four meter away from the wall from the wall okay so atalakshya <laughs> very disclaimer so i got important disclaimer do not try this at home बिकॉज ये तुमने नहीं लिखा तो भी, भी चलेगा बिकॉज इट कैन कॉज सीरियस इंजुरीज इफ नॉट देन अटिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स इसका मीनिंग जो मैं आगे बताने वाला हूँ ये घर पे ट्राई मत करना ये सिर्फ इमेजिनेशन के लिए अगर तुम इट कैन कॉज सीरियस अगर तुमने ट्राई किया तो और अगर सीरियस इंजुरी नहीं हुए तो घर वालों से जरूर मार खाओगे ठीक है कारण कि तुम्हें कहीं ना कंफर्म कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करोगे और घर वालों से अलग मार खाओगे सो द थिंग इज वी हैव टू इमेजिन प्रॉब्लम की प्रॉब्लम में करना क्या है फॉर एग्जाम्पल लेट्स ड्रॉ प्रॉपर डायग्राम इनस्टेड ऑफ ड्रॉइंग समथिंग प्रॉपर डायग्राम निकालेंगे सो कन्सिडर दिसन है लैडर लो दिस युअर लैडर दिस इज युअर लैडर अपन समोरुन बगतो तो अपने को सिर्फ एक लाइन ही दिखेगी लैडर की अब इमेजिन तुम्हारा कोई तो भी दोस्त यहाँ पे लैडर पे ऊपर है ठीक है इधर कोई तो भी तुम्हारा दोस्त ऐसे लैडर पे खड़ा है एक्सलेंट ड्रॉइंग ऑफ अूमन बींग बट उसके तरफ ध्यान मत दो तुम्हारा दोस्त ऊपर को भी तो, भी तो भी कोई तो भी खड़ा है आता तो इनका मैं मतलब पा लैडर इज फाइव मीटर लॉन्ग मतलब ये पूरे लैडर की हाइट इज फाइव मीटर कंसिडर दिस एक्स कंसिडर दिस वाई अपने को नहीं पता कहाँ से कहाँ तक है

वॉल से नीचे आना शुरू हो जाता है ठीक तो है तो क्या वॉल पास ना सा खलती रहना शुरू हो जाएगी आफ्टर सर्टन पॉइंट वो तो गिरने ही वाला है बट वो वॉल से नीचे आना है मतलब दिस पॉइंट विल स्टार्ट गोइंग डाउन ओके अब अब थिंग इज अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ टू सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब ये जो तुम खींचने वाले हो नीचे से वो दो सेंटीमीटर पर सेकेंड से हिसाब से तुम खींचने वाले हो राइट टू सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से मतलब इच सेकेंड यू इट टू सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर ऐसे करके खींचने वाले हो। हाइट ऑन द डिक्रीजिंग वेन द फुट ऑफ द लैडर इज फोर मीटर अवे फ्रॉम द वॉल मतलब ये जो रहेगा वो वॉल से जब फोर मीटर अवे रहेगा तब तुमको फुट ऑफ द मतलब ये निकालना हाउ फास्ट इज द हाइट एच height on the wall decreasing when foot of the ladder is four meter away. मतलब तो नहीं x four meter दिलाए, ठीक है? x four meter दिलाए. So let's draw कि आपने लगा क्या क्या दिलाए. Height दिए five. अब by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem, अगर मैंने consider किया, of course it is proper wall और ground में ninety degree रहता है. तो by Pythagoras theorem, x square plus y square is equals to twenty five. बराबर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर डन अब डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू टी क्योंकि वी आर कंसीडरिंग ईच थिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम देयर आर अदर थिंग्स दैट वी कंसीडर विद रिस्पेक्ट टू बट अभी के लिए तुम्हारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम है बिकॉज़ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड पर सेकंड है सो लेट्स सी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी सो व्हाट वी गेट इज टू एक्स डीएक्स बाई डी टी प्लस वाई डीवाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू जीरो टू कॉमन निकाल के उसको इधर भेज दिया क्या क्या दिला है क्या पूछ, बोला है उसने अलोंग विथ द ग्राउंड अवे फ्रॉम द रेट ऑफ टू सेंटीमीटर पर सेकेंड तो तुमको डीवाई बाई डी टी दिया ये कैसे पता चला तुमको क्या दिया है तुमको क्या दिया है तुमको रेट एट विच तुम उसको खींच रहे हो अगर तुमको बोला रहता है द रेट ऑफ विच द हाइट ऑफ ये ऊपर जो बैठा है इज डिक्रीजिंग तो तुम्हें डीवाई बाई डी टी के बट अभी क्या बोला है तुमको रेट एट विच यू आर पुलिंग द लैडर मतलब तुम ऊपर वाले दोस्त को तुमको नीचे गिराना है तो तुम कितने रेट से खींच रहे हो उसको टू सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड वो क्या कंसिडर किया है एक्स सो गिवन डीएक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू टू सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या दिया है अपने को डीएक्स बाई डी टी इज टू सेंटीमीटर पर सेकेंड क्लियर फरक समझा तुमको कस कैलकुलेट के डीवाई बाय डी टी दिला डीएक्स बाय डी टी दिला बाय रीडिंग द प्रॉब्लम सो तुम जो खींच रहे थे दैट इज योर चेंज वो डीएक्स बाय डी टी है सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन वन इसको वन देके रखते हैं सो इसमें अगर सब्सटीट्यूट किया आई गेट एक्स इंटू प्लस सॉरी हाँ एक्स इंटू टू प्लस वाई डी इसको इधर लेके आ गया है सो वी गेट डीवाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस टू एक्स बाय डी टू माइनस टू एक्स बायु का हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल मतलब डीवाई बाय डी टी ही निकालना है तुमको वॉल डिक्रीजिंग वेन फुट ऑफ द लैडर इज फोर मीटर अवे फ्रॉम द वॉल फुट ऑफ द लाइडर मतलब ये x, ये x अगर चार मीटर दूर है सो फॉर एग्जाम्पल और मैंने ये equation में डाल दिया इसको a दे दिया नाम सो so y इज इक्वल टू थ्री आएगा अगर मैंने इसको ये वाले एक्स को फोर डाल दिया यहाँ पे तो सिक्सटीन मतलब 3, 4, 5, so y is equals to 3 आएगा तुम्हारा राइट right?

माइनस एट बाई थ्री भी दियाई थ्री भी दिया है तो हाउ फास्ट इट इज डिक्रीजिंग थ्री इट्स एट बाई थ्री हाउ फास्ट इट इज डिक्रीजिंग थ्री से डिक्रीज हो रहा है एट बाई थ्री कह रहे सेंटीमीटर पर सेकेंड इतने स्पीड से वो डिक्रीज हो रहा है इट्स नॉट निगेटिव ओके द रेशियो इज नॉट निगेटिव उसका आंसर निगेटिव है that

अब अगर तुम कहीं गए और तुमको बोला कि ऐसी खड़ा है और इसको तुमने खींचा तो किससे इतने गिरेगा अगर तुमने टॉम एंड जेरी कार्टून देखा होगा तो उसमें वो हिलाओ तो पाइथागोरस ट्रिपलेट पाइथागोरस थ्योरम लाओ तो फिर वो झाड़ को काटता है तो बराबर जाके टॉम के ऊपर गिरता है वो एक एपिसोड था अगर नहीं देखा होगा तो देख लेना एक बार ठीक है बट नाउ वी कम बैक टू जहां पे वी सी एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स वेयर it is in physics in chemistry in biochemistry biomedical anywhere application of mathematics kasakam karta so next question is a particle moves a particle moves along the curve, along the curve 6y is equals to x cubed plus 2 find find the points on the curve points on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate, okay. Y coordinate is changing as fast as eight times as fast as x coordinate. Did you understand the uh, meaning of it? So, pause the video for tumko question. Try it on your own and then.

T. with respect to time manje so we get 6 dy by dt is equals to 3x square dx by dt plus 0 derivatives of 2 is 0 2 so we get 2 dy by dt is equals to x square dx by dt अब कौन सा चेंज दिया है उसने ओके okay. क्या चेंज ऑन द कर्व कोऑर्डिनेट का चेंज वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एट टाइम्स एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट फर्क समझा

x 16 16. dx dt 4. ठीक है अब एक्सक्वाइनस इक्वेशन आना चाहिए मतलब y के कोऑर्डिनेट्स लगेंगे ना सो so व्हेन x is equals to 4, ये वाले इक्वेशन में डाला मैंने सो so x अगर 4 है सो so y is equals to 4 cube plus 2 by 6 which is equals to 11 4 cube plus 2 by 6 which is equals to 11 and job x is equals to minus 4 so y is equals to minus 4 cube plus 2 upon 6 which is equals to minus 31 by 3 which is equals to minus 31 by 3 so 64 64 64 ऊपर आएगा आएगा 2 2 66 6 11 इधर थर्टी 31 बाई 3 सो so, वैल्यू अब निकालना क्या है अ पार्टिकल फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर पॉइंट काढ़ाई होते सो वी आर गुड टू गो तो पॉइंट्स so, कैसे आए तुम्हारे 4, 11 एंड -4, minus 31 कॉमा बाय पॉइंट्स का होते सो कोई टेन्शन नहीं मैं मैं लक्षण पॉइंट्स का नहीं है पॉइंट पॉइंट्स दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट क्वेश्चन ठीक है तो क्वेश्चन कसा है मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन अ लैम्प इज फिफ्टी फीट अबव द ग्राउंड फिफ्टी फीट अबव द ग्राउंड A ball is dropped from the same height from the same height from a point from a point thirty feet away. From the light pole, from the light pole. If ball falls a distance, very important statement S is equals to sixteen T square feet in t seconds in t seconds then how fast question is how fast is the shadow of the ball shadow of the ball

फिफ्टी फीट अब द ग्राउंड अब बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट मतलब उतनी ही हाइट से फिफ्टी फीट की बॉल हाँ ड्रॉप किया पर कहा से ड्रॉप किया इीट अवे दोल इट इज थर्टी फीट अवे फ्रॉम द पोल ओके सो थर्टी फीट अवे फ्रॉम द पोल समझा इत्याग्राम मेरा बहुत एकदम ये तो नहीं रहेगा बट लेट्स ड्रॉ इट ठीक है This is my lamp post. For example, हाँ lamp post हमारा, okay? This is my lamp post. यहाँ se aisi light आ रहा, यहाँ पे ऐसी light आ रहा, ठीक है? तो तो light for example, for example light इधर तक है उसका

स्ट्रेट लाइन विचव ग्राउंड बेसिकली नथिंग एल्स दैट इज ऑर ग्राउंड ओके यहाँ तक अपना ग्राउंड चला गया अब लाइट जो है वो यहां तक आ गया अब उसने क्या बोला है देखते है अब इज ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट बॉल ड्रॉपिंग हाइट उसने क्या बोला है थर्टी फीट अवे फ्रॉम द लाइट पोल मीन्स इफ आई ड्रॉप द बॉल इट विल बी समर फ्रॉम हियर फॉर एग्जांपल यहां से ड्रॉप किया मैंने बॉल थर्टी फीट अवे मींस यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज योर थर्टी फीट दिस योर थर्टी फीट लैम्प पोस्ट ची हाइट कि

अपने को शैडो दिखेगी अपने शैडो बदल सो इफ अ बॉल फॉल्स इज़ इक्वल टू सिक्स टी फीट इन टी से शैडो ऑफ द बॉल मुविंग अलॉंग द्राउंड ठीक है सो दिस कंसिडर दिसपण है अपने इक्वेशन से से तक तक हो गया अपना उसके ऊपर जो भी रहेगा को उससे फर्क नहीं पड़ता अपने शैडो जिथुन है तिथपासन काम कर सो लेट्स सी इक्वेशन का सिंपल इक्वेशन का फर्स्ट इक्वेशन इज मैं लिख रहा हूँ वाई इज इक्वल्स टू फिफ्टीन माइनस सिक्सटीन टी स्क्वेर

ये पॉइंट को समझो बी नाम दे दिया अपन ने सो ए सो ए टू बी जो चेंज है तुम्हारा तो कसा है डीवाई बाई डिट इज माइनस थर्टी टू टी अब आई एम राइटिंग टैन थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाय कंसिडरिंग ए बी सी ट्राइंगल इट इज वाई बाय एक्स बट कंसिडरिंग पी क्यू एंड सी ट्राइंगल ठीक है फिर से सुन लो एबीसी ट्राइंगल यहाँ पे लिख के रखते हैं मतलब तुमको कंफ्यूजन नहीं हो रॉ ट्रबीसी अपॉन थर्टी प्लस एक्स फिफ्टी अपॉन थर्टी प्लस एक्स फॉर ट्राइंगल पी क्यू सी फॉर ट्राइंगल पी क्यूसी करेक्ट अपन सिमिलर uh, ला कंसीडर के एबीसी एंड पी क्यू सी एंड तसे के ला तो उनके uh, इसका रेशो क्या रहता है सेम रहता है मैंने बस टेन थीटा से एक्सप्लेन किया यू कैन गो विथ योर टेन्थ स्टैंडर्ड नॉलेज ऑल्सो रेशो ऑफ देयर साइड रिमेन्स द सेम सो वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू देअर फोर अपॉन x इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 30 प्लस सो वी गेट

It will be 50x into 30 whole upon 30 plus x whole square into dx by dt. You keep differentiating with respect to t. So, since we are differentiating with respect to time, what we get is dx by dt, and x or y constants, not, but they are also not dependent variable. So, dy by dt, dx by dt. So multiplying, I get 1500 plus 50x minus 50 into 30 is 1500x. Am I missing something? 30 plus x into 50. Okay, okay. Pe ek kiya. Differentiating, here.

so so answer will be 1500 upon 30 plus x whole square dx by dt so this is your dy by dt पर dy by dt तो वो वहाँ पे भी था so मैं क्या करी डीएक्स बाई डी को एक ही जगह रखूंगा डीएक्स बाई डी टी का वहाँ से मेरे को सब समझ में आ रहा है कि निकालना क्या है निकालना क्या है मुझे हाउ फास्ट इज द शैडो ऑफ द बॉल मूविंग ये कैसे पता चलेगा कि मज इन जो एक्स है डीएक्स बाय डी टी वो मुझे बताएगा कि ओके शैडो ऑफ द बॉल कितने फास्ट मूव हो रही है कारण की शैडो तो ए पॉइंट वर आयापास कैल्क्युलेट हो सो हाउ फास्ट इट इज मूविंग वो तुम्हारा एक्स तुमको बताते जाएगा कि ओके शैडो ऑफ द बॉल किए आ लॉजिक लवा थोड़ा सा थोड़ा सा लाइट ऊपर नहीं है लाइट या साइड ल तो जब ऑब्जेक्ट बॉल बॉल इसकी शाड़ो won't be exactly here. उसकी शैडो थोड़ी साइड में रहेगी तो उसकी शैडो अपना ये एक्स ये लाइन पे बताते रहेगी कि कहाँ जा रही वो दसा 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 है वो शैडो, जसा जसा बॉल खालती रहे दूर 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 जाते को कैसे आएगा तुम्हारा थर्टी प्लस एक्स होल स्क्टीन हंड्रेड इंटू डी बाय डी टी सो बाय लॉजिक आई गेट थर्टी प्लस एक्स होल स्क्वेर अपॉन फिफ्टीन हंड्रेड डीवाई बाई डी टी फ्रॉम इक्वेशन वन नहीं दिया था क्या क्या लगेंगे मेरे पास uh, मुझे, माला एक्स पाइजे एंड माला टी पाइजे सो so, टी तो दिया है शायद से तुमको टी तो दिया है टी इज हाफ सेकेंड मतलब अलोंग द ग्राउंड आधे सेकेंड में

Whole square x value upon fifty x equation to me upon fifteen hundred, sorry, upon fifteen hundred into minus thirty two into one by two. So after solving. मुझे मिलता है थ्री सेवन फाइव होल स्क्वायर अपॉन फिफ्टीन हंड्रेड इंटू माइनस सिक्सटीन आई एम गोइंग टू डू विथ कैलकुलेटर। तुम लोगों को छुड़ाना पड़ेगा बट अभी के लिए टाइम वेस्ट कम करेंगे अपन तो थ्री सेवन फाइव होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फिफ्टीन हंड्रेड इंटू सिक्सटीन इज फिफ्टीन हंड्रेड सो इट इज माइनस फिफ्टीन हंड्रेड फीट पर सेकंड सो हाऊ फास्ट द शॅडो इज डिक्रीजिंग कारण की मायनस हाऊ फास्ट शेडो ऑफ द बॉल मूविंग अलँग द ग्राउंड वन हाफ सेकंड मध्ये हाफ सेकंड लेटर इज म्हणजे तुम्ही कमी कमी होत जाईल कारण की तू दूर जाईल ना लाईटच्या जितकं दूर जाईल त्याची शॅडोची हे कमी होईल म्हणून मायनस साईन उससे फरक नहीं पड़ता हाउ फास्ट इट इज मुंगिफ्टीन हंड्रेड फीट पर से हाफ सेज मूव माइनस फिफ्टीन हंड्रेड फीट पर सैकंड डू नॉट कन्सिडर माइनस साइन बट माइनस साइन का मीनिंग शैडो कमी इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द लाइट इमेजिन करो की बॉल असा पडतो आहे आफ्टर सर्टन पॉइंट ती शॅडो त्याच्या जवळ पण येणार सो so ॲट पॉइंट दॅट की त्याची शॅडो थोडी दूर राहील आणि जशी जशी जसे जसं तो ता बॉल जवळ येईल त्याची शॅडो अशी पण येणार सो ऍट सर्टन पॉइंट द शॅडो अँड द बॉल विल बी वन ऑन द ग्राउंड तर म्हणून मायनस फिफ्टीन हंड्रेड फीट पर सेकंड मायनस फिफ्टीन हंड्रेड फीटिंग कळलं तुम्हाला ओके सो दिस वॉज अन इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम वेरी इंटरेस्टिंग इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए चैप्टर में दट सेट तो इसको स्टार मार्क करके रखना प्रॉब्लम को ओके वी विल मूव टूवर्ड्स अप्रोक्सिमेशन इन द नेक्स्ट लेक्चर